आप सभी को जय मसीह की। द बाइबल पोर्शन में आपका स्वागत है। हमारा आज का वचन है यशयाह की पुस्तक 27वां अध्याय। उस समय यहोवा अपनी कड़ी बड़ी और दृढ़ तलवार से लिव्यातान नामक वेग और टेढ़े चलने वाले सर्प को दंड देगा, और जो अजगर समुद्र में रहता है उसको भी घात करेगा। उस समय एक सुंदर दाख की बारी होगी, तुम उसका यश गाना। मैं यहोवा उसकी रक्षा करता हूँ, मैं क्षण क्षण उसको सींचता रहूंगा, मैं रात दिन उसकी रक्षा करता रहूंगा, ऐसा न हो कि कोई उसकी हानि करे। मेरे मन में जलजलाहट नहीं है। यदि कोई भांति भांति के कटीले पेड़ मुझसे लड़ने को खड़े करता तो मैं उन पर पाव बढ़ाकर उनको पूरी रीति से भस्म कर देता। या मेरे साथ मेल करने को वे मेरी शरण ले, वे मेरे साथ मेल कर ले। भविष्य में याकूब जड़ पकड़ेगा और इसराइल फूले फलेगा, और उसके फलों से जगत भर जाएगा। क्या उसने उसे मारा जैसा उसने उसके मारने वालों को मारा था? क्या वह घात किया गया जैसा उसके घात किए हुए घात हुए? जब तूने उसे निकाला तब सोच विचार कर उसको दुख दिया। उसने पुरवाई के दिन उसको प्रचंड वायु से उड़ा दिया। इससे याकूब के अधर्म का प्रायश्चित किया जाएगा, और उसके पाप के दूर होने का प्रतिफल यह होगा कि वे वेदी के सब पत्थरों को चूना बनाने के पत्थरों के समान चकनाचूर करेंगे, और अशेरा और सूर्य की प्रतिमाएं फिर खड़ी न रहेंगी। क्योंकि गढ़ वाला नगर निर्जन हुआ है, वह छोड़ी हुई बस्ती के समान निर्जन और जंगल हो गया है। वहां बछड़े चरेंगे और वहीं बैठेंगे, और पेड़ों की डालियों की फुनगी को खा लेंगे। जब उसकी शाखाएं सूख जाए तब तोड़ी जाएंगी, और स्त्रियां आकर उनको तोड़ कर जला देंगी। क्योंकि ये लोग निर्बुद्धि हैं, इसलिए उनका कर्ता उन पर दया न करेगा, और उनका रचने वाला उन पर अनुग्रह न करेगा। उस समय यहोवा महानद से लेकर मिस्र के नाले तक अपने अन्न को फटकेगा, और हे इसराइलियों, तुम एक एक करके इकट्ठे किए जाओगे। उस समय बड़ा नरसिंगा फूका जाएगा, और जो अश्शूर देश में नष्ट हो रहे थे और जो मिस्र देश में बरपस बसाए हुए थे, वे यरूशलेम में आकर पवित्र पर्वत पर यहोवा को दंडवत करेंगे।